ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। गाड़ी जो है वो चिचवाल से आ रही थी, तो फिर हम बाहर से चले थे। जब हम रेलवे पार्क पर पहुंचे तो ड्राइवर कहने लगा कि गाड़ी जो है वो बहुत मतलब स्लो स्लो चल रही है और साथ में आगे से ट्रेन आ गई, तो कहने लगी कि हम लेट हो रहे हैं। उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी जो थी वो स्पीड में कर दी, उसके बाद उससे पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद कोई कहने लगा कि ब्रेक फेल हो गई है। तो फिर हमने ओवरलोड ही होता है, मतलब ऊपर भी होती है पीछे भी होती है, और ऊपर भी थे नीचे भी पीछे भी लटके थे, इतनी ज़्यादा थी गाड़ी, बहुत ओवरलोडेड थी, काफ़ी लोग थे। ये ऐसे ही पता नहीं किस किस को चढ़ा लेते हैं, और एक एक घंटे बाद गाड़ी आती है और इनसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। इन्होंने इतनी ज़ोर से मारी, इतने लोग थे उस गाड़ी में, बहुत लोगों की हालत बहुत बुरी है। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, फोन गाड़ियाँ एक एक घंटे बाद ये ओवरलोडेड गाड़ियाँ लेते हैं, और उसके कारण हाँ इससे पहले भी कुछ टाइम पहले एक और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वो भी इसी वजह से हुआ था। इतने इतने लोग ये गाड़ियों में ले जाते हैं और फिर इनसे कंट्रोल होता नहीं है, पूछने वाला यहाँ पे कोई है नहीं, तो हमारी हालत ये है। डी सी मैडम कन्नै एक महीना पहले अस दो बारी मिले, जिद आरटीओ दफ्तर के लोग भी बैठे ने, लगातार ये शिकायत है, ये 15 मिनट टाइम रखे दा, एक सरासर गलत है। अज कोला ठीक है 2 महीने पहले एक लड़की और एक लड़का खोया, इसे एक्सीडेंट रखा दा बिच, और दो बारी अस मिले डी सी मैडम ने, स्टाफ उठाया लेकिन कोई एक्शन नहीं होया, टाइम नहीं कटिया। और सारे लोगों ये डिमांड है कि इतने बसा चलनिया चाहिए, इन्हें मेटाडोरें सारा अद्धा समान जरा ले उड़िया, और लगभग 3 लोगों की बेचारे की जीवन लीला समाप्त हो गई है, और 25-26 लोग जो जम्मू हॉस्पिटल रैफर हुए हैं जख्मी ने। ये आज का हादसा बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसमें अभी तक की जो रिपोर्टिंग है उसमें 3 कैजुअल्टी हुई है, 17 आदमी हमने GMC में शिफ्ट किए हैं, और 7-8 लोग यहाँ पे अभी भी इंजर्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं। लोगों की जो शिकायतें हैं वो एक तो ओवरलोडिंग को चल के शिकायत थी कि ओवरलोडिंग थी गाड़ी में, और दूसरा यहाँ पे जो इक्विपमेंट थी सिटी स्कैन के रिगार्डिंग लोगों की कंप्लेंट थी कि सिटी स्कैन यहाँ पे अवेलेबल था भी, उसके बावजूद लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है, GMC में रेफ़र कर दिया गया है। तो वो मैटर हमने टेकअप किया है GMC में, और जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं उनको हमने अप्रोच की है कि यहाँ पे अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसको पूरा किया जाए।